हेलो, वेलकम बाय डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछले टर्न पे हमने इंटीग्रेशन में देखा था कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो प्रॉपर आप लोग लगे रहें, क्वेश्चन करते रहें, क्योंकि पेपर जल्दी होने वाला है आपका। लॉकडाउन खुल गया है बेटा, पेपर जल्दी होने वाला है, तो आप लोग प्रॉपर वीडियो पे बने रहें और प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। क्लियर है? तो आओ समझते हैं कि कहाँ तक पिछले टर्न पे हो गया था, इसको आज रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात किया था कि इंटीग्रेशन जो है बेसिकली बाई पार्ट से देखने वाले हैं। क्लियर है? बाई सब्स्टिट्यूशन से देखने वाले हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया था, बाई सब्स्टिट्यूशन। और एक आया था भाई बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये भी हमने देख लिया था। क्लियर है? ये देख लिया था, बाकी ये दो पार्ट अभी आपके बचे हुए हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आओ बात करते हैं कुछ इंटीग्रेशन का जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो उसको समझते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई। क्या देखा था पिछले टर्न पे? हमने देखा था सर 1/(x²-a²) का dx का इंटीग्रेशन। बेसिकली एक बार प्रूफ कर देता हूँ, पुनः ध्यान से समझना भाई कैसे इसको प्रूफ करते हैं। क्या मैं इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूँ x+a (x-a)? सोच के बताओ भाई जल्दी, क्या मैं इस इंटीग्रेशन को ये लिख सकता हूँ या नहीं? अरे भाई a²-b²। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ, उसको समझना गौर से। इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है? बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करने जा रहा हूँ, मतलब x+a (x-a)-x-a। कहोगे सर ये क्यों कर दिया? तो ये इसलिए कर दिया क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे a और a के एक्स्ट्रा 2a आ रहा है, तो एक्स्ट्रा 2a से क्या कर देंगे भाई? डिवाइड कर देंगे, तो प्रॉपर यही इंटीग्रेशन आपका मेंटेन हो जाएगा। सेकेंड काम हम क्या करने वाले हैं, ध्यान समझना, इसको डिवाइड बाई दैट एंड दैट डिवाइड बाई दैट। तो आएगा क्या आपका x+a (x-a)-a, ठीक है? -(x-a)/(x+a)-a। गौर से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और प्रॉपर आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो रहा है 1/(x-a)-dx में -(1/(x+a)-dx में। बोलो सर अभी हमने इसका इंटीग्रेशन देखा है, किसका इंटीग्रेशन आएगा सर? log(mod)(x-a)+log(mod)(x+a)। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आएगा। थोड़ा सा अगर इसे रीअरेंज करो, माइनस साइन यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करो, कहने का मतलब log m माइनस log n लगाओ, तो ऐसे log m by n का जो फार्मूला आता है भाई, log m माइनस log n, अगर किसी को नहीं पता है तो नोट कर लें कि log m by n होता है। एक और फार्मूला याद रखेंगे हम लोग, log m into n अगर आता है तो हम यूज करेंगे log m plus log n। क्लियर है? और एक आएगा log m to the power n है, तो n आगे आ जाता है n log n। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी लॉगरिथम के लिए। लॉगरिथम के अगर कोई भी लॉग का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो ये तीन फार्मूले आपके दिमाग में घंटी की तरह बजना चाहिए, मतलब ये याद होना चाहिए कि जैसे ही सर मुझे ये दिखेगा मैं तुरंत लगा दूंगा। तो गौर से देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है भाई, ये फार्मूला यहाँ पे क्या हो रहा लग रहा है कि log m माइनस log n। सर इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, अभी आपने बताया कि log m माइनस log n को log m by n लिख सकते हो, मतलब इसको लिख सकते हो भाई log(x-a)/(x+a)। मॉड तो हमेशा चलेगा क्योंकि log का नेचर ही होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू ही अटेंड कर पाता है। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही लॉगरिथम डिफाइंड होता है तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हम बेसिकली इसको याद रखेंगे कि हमेशा जब भी लॉग की कोई वैल्यू लिखेंगे तो उसके आगे मॉड जरूर लगा देंगे। अब गौर से देखो, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन हमने कन्वर्ट कर लिया, log(mod)(x-a)/(x+a)। गौर से देखना भाई, गौर से और ध्यान से समझना, क्या इसका इंटीग्रेशन हमने कन्वर्ट कर लिया है भाई log(mod)(x-a)/(x+a)+c। कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर यहाँ पे x²-a² आ गया तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ये लिखेंगे, बार बार ये नहीं करने वाले हैं, बार बार ये हम नहीं करने वाले। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसको नोट कर लो और आओ अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको
तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कौन सा इंटीग्रेशन है सर जो याद रखना है हमें? तो ये इंटीग्रेशन सेकेंड नंबर पे आएगा आपका, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। कहोगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? तो इसमें इसमें फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस साइन का है। तो अगर माइनस साइन का फर्क आएगा तो बेसिकली ये ऊपर हो जाएगा x प्लस ए और ये नीचे हो जाएगा x माइनस ए का मॉड प्लस सी। क्लियर है प्यारे बच्चों? कहने का मतलब ये हुआ सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। अच्छा एक चीज और, 1/2a लगाना ना भूलें आप लोग, क्योंकि 1/2a जो है बाहर दिख ही रहा था। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो 1/2a बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहां पर भी जो हमने सॉल्व किया वहां पर भी 1/2a लगा लें। क्लियर है? तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा सर 1/2a log x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। क्लियर है? क्लियर है भाई? यहां पे माइनस साइन ऊपर आएगा, यहां पे माइनस साइन नीचे आएगा। तो थर्ड इंटीग्रेशन इसी पे तरीके का और एक लिखते हैं और उसको डिराइव करते हैं और उसके बाद उसको याद रखेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे सर इसको डील करें? तो आपको बता दें कि ऐसे सिचुएशन में x की वैल्यू पुट कर दो ए टैन थीटा। क्या पुट कर दो? ए टैन थीटा। अब आपने कहा कि सर अगर ए टैन थीटा पुट कर दिए, क्लियर है, तो dx को क्या पुट करोगे? तो dx को भाई पुट करना है ए sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्योंकि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलो सर हमने पुट कर दिया, उसके बाद देखो निकल के क्या आएगा, ध्यान से समझना भाई, निकल के क्या आएगा? वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और dx को पुट करेंगे सर, dx को लिखेंगे ए sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर जब यहाँ पे कामन करेंगे तो थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई, ए स्क्वायर वहाँ पे कामन करेंगे तो नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन आपका बचेगा सिर्फ d थीटा और 1/a क्या हो जाएगा? बाहर। अगर ऐसा होता है तो d थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हो कि सर आएगा थीटा और प्लस क्या लगाएंगे? सी। क्लियर है? अभी फर्ज अदा करना बाकी है, क्योंकि आपने एक्स को ए टेन थीटा माना है, ये खुद आपने माना है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो। तो थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं सर यहां से, टेन थीटा बराबर एक्स बाई ए और थीटा बराबर आ जाएगा सर टेन इनवर्स एक्स बाई ए। जैसे ही थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करोगे आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर है? तो सर इसका मतलब ये समझ में आए, तीन इंटीग्रेशन हमें ध्यान रहेंगे। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा सर 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मॉड, और 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा भाई? log ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए का मॉड प्लस सी। एक इंटीग्रेशन और याद रखेंगे सर कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई? टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर है? अब कहोगे सर कैसे हमको याद रहेगा, तो आपको बता दूं याद ऐसे रहेगा, ध्यान से समझना, याद ऐसे रहेगा कि जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है सर 1/1 + x², तो इसका मतलब सर यहाँ 1 तो नहीं है, a है, तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे तुम्हें डिवाइड मार देना 1/a और tan इनवर्स x / a। अगर यहाँ 1 होता तो tan इनवर्स x आता, अगर यहाँ a है तो यहाँ पे क्या a आएगा और यहाँ a आएगा प्लस c। तो ये सर तीन इंटीग्रेशन अब हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गए हुए हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अगर ये बैठ गए हैं तो मेरे भाइयों आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जा सकते हैं। आओ क्वेश्चन देता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बनाओगे नहीं, निपटा दोगे भाई। आओ क्वेश्चन ले जाओ भाई। एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये पूछ लिया, सेकेंड आपसे पूछ लिया 1/2 + x² dx। थर्ड पूछ लिया 1/2 - x² dx। अरे सर ये तो वही लिखा हुआ ना, एक्स स्क्वायर तो है माइनस ए स्क्वायर नहीं है सर। अरे तो बना लेंगे ना, इसको लिख सकते हैं भाई 1/x² - 2² बोलो। तो इसका इंटीग्रेशन सर अभी हमने पढ़ा x² - x² का क्या आएगा 1/2a मतलब 4 log ऑफ x - 2 / x + 2 का मॉड। सर इसका इंटीग्रेशन 1/a² + x² का तो हमने पढ़ा है, ठीक है,
तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में 2 को लिख सकता हूँ रूट टू का होल स्क्वायर। बोलो, तो रूट टू का होल स्क्वायर जैसे ही करोगे आपका आ जाएगा ये 1 बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब एक्स बाई रूट टू प्लस सी। यहाँ पे देखो क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 1 बाई टू ए मतलब 1 बाई टू रूट टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ए मतलब एक्स प्लस टू डिवाइड बाई क्या कर देना, एक्स माइनस टू का मॉड, बस यही करना है, बस यही करना है आपको। क्लियर है भाई? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आओ आपको एक बेहतर चीज़ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, बेहतर बेहतर से बेहतर चीज़ सिखाने वाला हूँ। ध्यान से समझना, ध्यान से गौर से। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन सीख लिया है तो आपको मैं सिखाने वाला हूँ 1/क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, जो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, उसको डील करना सिर्फ हम लोग सीखेंगे। 1/क्वाड्रेटिक ध्यान से समझना, ध्यान से और गौर से। 1/क्वाड्रेटिक का जैसे ही सर हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि सर ने इसको कैसे बताया था भाई, 1/क्वाड्रेटिक इंटू डीएक्स। क्लियर? कोई भी क्वाड्रेटिक हो, चलो मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ब्रह्मांड में ए बी सी चेंज करते जाओगे, क्वाड्रेटिक की वैल्यू चेंज, इससे अलावा क्वाड्रेटिक कोई आ ही नहीं सकता, यही है ही क्वाड्रेटिक भाई। बोलो तो सर इसको कैसे डील करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, काम करेंगे यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कहोगे सर ये कौन सा चीज आ गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है हम तो सर निपट गए यहाँ पे। अरे कुछ नहीं, आओ सिखाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको देखा तो ख्याल आया कि 1/क्वाड्रेटिक को देखा, 1/क्वाड्रेटिक को देखा, और 1/क्वाड्रेटिक को देखा तो समझना यहाँ पे ख्याल ये आया कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। आओ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका सिखाता हूँ आपको, यही है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। पहला काम तो आपको यही करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय कि यहाँ पे जो कॉफिशियंट है उसको 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है उसको कितना बनाना है 1। लेकिन अगर पहले से ही 1 दिया रखा है तो और अच्छी बात है कि नहीं, और अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो सर हम इसे लिखेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस, अब सोचो कि ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो हमें ए स्क्वायर पे सिर्फ फोकस करना है और बी स्क्वायर पे बिल्कुल नहीं फोकस करना है, ठीक है। अब बात फोकस करना 2ab पे, 2ab, तो 2ab गौर से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, 2 इंटू ए, ए तो एक्स ही है, बी। अब सोचो यहाँ पे बी क्या ले लें, यहाँ पे बी क्या ले लें कि एक्स आ जाए। बोलो, अगर 1/2 ले लें तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब सर यहाँ पे बी को हमें 1/2 लेना पड़ेगा और इसी का होल स्क्वायर बना लो। कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे पहले कोफिशियंट 1 बनाना है, और पहले से ही है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना है, क्लियर है। वो कैसे ख्याल, एक्स प्लस समथिंग का क्यों सर, एक्स माइनस समथिंग का क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर वो एक्स के साथ प्लस है मतलब 2ab रहा होगा प्लस 2ab, तो 2ab में यहाँ पे तुम्हें रख के चेक करना है कि चलो 2 रख दिया, a रख दिया, अब b अपने आप डिसाइड होगा कि यहाँ पे कॉफिशियंट कितना है, उसी हिसाब से यहाँ रख के एडजस्ट करवा के एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब कहोगे सर कि अगर एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर हमने लिखा तो कुछ एक्स्ट्रा लिखा, वो कितना लिखा, -1/4। बोलो -1/4 आपने क्या लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है। कहोगे सर कैसे, अरे इसको जब ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स आएगा, तो 1/4 उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और प्रॉपर आपका ये बच जाएगा। तो सर यहाँ पे एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 1-4 मतलब प्लस आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 3/4। बोलो तो सर इस क्वाड्रेटिक को हमने कन्वर्ट कर दिया, इस क्वाड्रेटिक को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 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 3/4। 3/4 को सर लिख सकता हूँ रूट 3/2 का होल स्क्वायर। सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन सर इधर उधर देखा सा लग रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे तो कम अकल की चाय की पत्ती, ए प्लस एक्स करो चाहे एक्स प्लस ए करो, बात तो बराबर ही है बच्चों, आ जाओ। तो अगर बात बराबर है तो फिर इंटीग्रेशन भी तो बताना है, आ जाओ। इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था, अरे सर ये तो टेन इनवर्स एक्स से होता है सर, तो टेन इन 1/a बाहर आता है, 1/a कहने का मतलब सर 2/√3 लिखोगे
क्लियर है। तो वन बाई ए मतलब रूट थ्री बाई टू, टू ऊपर जाएगा भाई, क्लियर है। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, एक्स सर यहाँ पे एक्स नहीं है, कितना है एक्स प्लस हाफ, तो एक्स प्लस हाफ रख देंगे सर। डिवाइड बाई ए, ए कितना है सर रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, क्लियर है। और प्लस सी, थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा टू रूट थ्री टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टू अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई रूट थ्री प्लस सी। ये रहा आपका इंटीग्रेशन, ये रहा आपका इंटीग्रेशन। तो कुछ नहीं करना है भाई, वन अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसको डील करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, यही करना ही है आपको, क्लियर है। क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब सोचो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है दैट का स्क्वायर माइनस दैट का स्क्वायर बने, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा देंगे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, क्लियर है। इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता, बोलो। तो सर हमने क्वाड्रेटिक को डील करना सीख लिया, बस सिर्फ आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है तो वन अपॉन क्वाड्रेटिक को डील करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपसे वादा है, ये आपसे क्या है भाई वादा है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई है तो आओ आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इससे रिलेटेड, वन अपॉन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, वन अपॉन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से, वन अपॉन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आओ एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बताना बताना एक्स स्क्वायर सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन, इसको डील करना है सर। आओ डीलिंग सिखाता हूँ आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना सर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आओ परफेक्ट स्क्वायर पहले बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। सर यहाँ कॉफिशियंट वन बनाना है, कॉफिशियंट पहले से ही वन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले से ही वन है। तो बनाएंगे एक्स, बोलो प्लस समथिंग का होल स्क्वायर होगा माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, सर माइनस क्योंकि माइनस है यहाँ पे। अब जब टू ए बी आया होगा तो टू आया होगा, एक्स आया होगा, और यहाँ पे फाइव आया है, फाइव आया है, इसका मतलब सर यहाँ पे फाइव का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। लेकिन फाइव का जब होल स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस पच्चीस भी करना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पच्चीस लिख रहा हूँ। तो एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्स, क्या माइनस उन्नीस हो जाएगा भाई। बना लिया, बना लिया सर हमने परफेक्ट स्क्वायर, और वो बन के आ चुका है सर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस नाइनटीन, माइनस नाइनटीन। सर ये तो वही हुआ ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ हाँ वही है भाई। तो वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए मतलब टू रूट नाइनटीन लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, बोलो भाई एक्स प्लस ए आता है या फिर एक्स माइनस ए आता है, एक्स प्लस ए आता है या फिर एक्स माइनस ए आता है, गौर से सोच के बताओ, एक्स प्लस ए आता है या फिर एक्स माइनस ए आता है, बोलो बोलो। एक्स माइनस ए आएगा सर, एक्स माइनस ए आएगा, तो एक्स माइनस रूट नाइनटीन डिवाइड बाई एक्स प्लस रूट नाइनटीन प्लस सी, प्लस सी। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो क्या वन अपॉन क्वाड्रेटिक को डील करना आप सीख गए, ठीक है। वन अपॉन क्वाड्रेटिक में सर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बता देंगे कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक जो है कैसे सॉल्व होगा। चलो अब अगर वन अपॉन क्वाड्रेटिक डील करना सीख गए हो, वन अपॉन क्वाड्रेटिक डील करना अगर आप सीख गए हो, तो आओ कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं टाइप की। देखना हमने क्या क्या सीखा भाई, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीन सीखा, ठीक है। और इन तीनों से हमने वन अपॉन क्वाड्रेटिक को डील करना सीख लिया, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो अगर इनको सीख लिए हो तो अब बात करेंगे कि इन्हीं को अगर रूट में ले लें, इन्हीं को रूट में ले लें, रूट में, तो कितना आएगा आंसर, समझते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, इन्हीं को रूट में ले लेते हैं, क्लियर है। लिख इसलिए ऐसा रहा हूँ, क्लियर है, ताकि आप इन चीज़ों को रियलाइज कर सकें कि बेसिकली क्वाड्रेटिक को कैसे डील करेंगे, वन बाई रूट क्वाड्रेटिक को कैसे डील, दोनों का डीलिंग सेम है। अगर आपने क्वाड्रेटिक को डील करना सीख लिया वन अपॉन,
तो वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में भी कुछ रखा नहीं है, वहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और इसका इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, फटाक दे आंसर कर पाओगे आप। तो सर कैसे इंटीग्रेट करें इसको, आओ आपको कुछ चीजें यहाँ पे सिखाता हूँ कुछ चीजें, ठीक है। कहीं पर भी अगर इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो हम चाहेंगे कि रूट गायब हो, तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट कर लो या फिर एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा पुट कर लो, जो आप चाहो दोनों पुट कर सकते हो। अगर इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, सॉरी रूट के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में इंटीग्रेशन करते समय, क्लियर है ये आपने ITF में भी पढ़ा होगा, एक्स की वैल्यू ए sec थीटा पुट कर लो या फिर एक्स की वैल्यू ए cos थीटा पुट कर लो, दोनों पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसे सिचुएशन में एक्स की वैल्यू ए tan थीटा पुट करते हैं या फिर एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, ए cot थीटा। तो ये आप नोट कर लो कि हम लोग ऐसे सिचुएशंस में यही लगाएंगे। एक लास्ट और बता देता हूँ, एक लास्ट और लिख लो भाई, कभी ऐसा फंस गए, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, अगर ऐसा आता है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए कॉस टू थीटा पुट करते हैं, ए कॉस टू थीटा, क्लियर है। कहोगे सर क्यों पुट करते हैं, अरे भैया जैसे साइन थीटा पुट करोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा सर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ से बेसिकली आपका क्या होगा कि आप प्रॉपर इंटीग्रेशन कर सकते हो रूट के बाहर लाके। तो सर यहाँ पे इसको देखा तो ये ख्याल आया कि ये तो वही है, एक्स की वैल्यू हमें साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करना चाहिए। चलो चलो इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इस इंटीग्रेशन में पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो कहोगे सर dx को भी तो बदलना पड़ेगा, dx, हाँ dx की वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थीटा डी थीटा, बोलो। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो चुका है प्यारे भाइयों, देखना ध्यान से, एक्स वैल्यू ए साइन थीटा पुट किया तो डीएक्स ये आया है, डीएक्स क्या आया है गौर से सुनना, ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। हाँ उसके बाद देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा डी थीटा तो एज इट इज ऐसे ही बच गया, ऐसे ही रह गया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये स्क्वायर आप कॉमन करोगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा और वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाहर आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। तो गौर से देखो क्या, सॉरी डी थीटा नहीं आएगा, ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आ जाएगा। और आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा, थीटा होगा भाई थीटा। तो इसका आ जाएगा सर थीटा प्लस सी। अब हमारा फर्ज अदा करना बाकी है कि हमने एक्स को साइन थीटा माना है, एक्स को ए साइन थीटा माना है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई ए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब इसका इंटीग्रेशन आएगा सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, बोलो क्लियर है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो सर इसका इंटीग्रेशन हमें पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन आएगा सर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कहोगे सर याद कैसे करें, तो याद करो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वहीं से आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ ए स्क्वायर आ गया तो कैसे डील करोगे, तो आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कई बच्चे गलतियां कर जाते हैं यहाँ पे, वन बाई ए डिवाइड कर देते हैं, उनको लगता है कि हर जगह वन बाई ए डिवाइड होगा, लेकिन गौर से समझना यहाँ पे वन बाई ए डिवाइडेड नहीं आता, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आता है, क्लियर है भाई। आओ इसको डील करना सीखते हैं, इसको क्लियर है, इसको डील करना सीखते हैं, इसको इरेज कर दूं प्यारे बच्चों, हाँ तो इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आओ इसका प्रूफ समझते हैं और उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चंस आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, इसको समझते हैं उसके बाद क्वेश्चंस आगे प्रोसीड करेंगे, ध्यान से समझना और गौर से, निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए आपकी, डीएक्स यही तो है सर, dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना भाई ध्यान से। सर इसको देखा तो ख्याल आया कि x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देना चाहिए, a tan थीटा, क्योंकि अभी आपने बताया है। तो dx को किस में लिखोगे भाई, क्या a sec स्क्वायर थीटा d थीटा में, हाँ हाँ सर बिल्कुल इसी में लिखेंगे, बोलो
यहाँ पे क्या ओवरऑल इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो चुका है। डीएक्स की वैल्यू रखेंगे सर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई जब यहाँ पे आप ए टेन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ए सेक थीटा बाहर आएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा sec थीटा d थीटा। और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं सर, इसका इंटीग्रेशन हम तो जानते हैं log ऑफ mod ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। क्लियर है? अभी कुछ फर्ज अदा करना बाकी है भाई, फर्ज अदा करना अभी बाकी है। कौन सा फर्ज जो अदा करना बाकी है सर, आओ आपको सिखाता हूँ कि कौन सा फर्ज आपने छोड़ दिया है। फर्ज यही छोड़ दिया है कि थीटा को भी रिप्लेस करना है सर एक्स से, क्योंकि थीटा तो हमने खुद इन्वॉल्व किया है ना फंक्शन में। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे सर एक ही रिलेशन हमें पता है कि टेन थीटा बराबर यहाँ से आएगा सर एक्स बाई ए। आओ 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 यहाँ पे अगर ये एक्स है और ये ए है तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। बोलो 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 गौर से बोलो। तो सर यहाँ से सर ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा, sec थीटा की वैल्यू सर दैट डिवाइड बाई दैट होगी, मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए होगी। बोलो। और सर tan थीटा की वैल्यू आएगी x बाई ए का मॉड। क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। क्लियर है? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी। ये कहोगे सर वो ए कहाँ गया? अरे भाई वो ए उसी सी के साथ जुड़ गया, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, तो हमने सर ये भी सीख लिया कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आओ एक लास्ट आपका बच रहा है वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में, कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए सर तो क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे? आओ भाई बताते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा तो क्या करोगे, कैसे करना है सर सॉल्व? ठीक है, निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए आपकी, तभी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओगे और चीजों को अच्छे से बता पाओगे। आ जाओ भाई, आओ बात करते हैं वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या इसको देखा तो ख्याल आया, इसको देखा तो ये ख्याल आया कि एक्स की वैल्यू हमें पुट करना चाहिए सर सेक थीटा। क्या पुट करना चाहिए? सेक थीटा, वो भी ए सेक थीटा, वो भी कितना? ए सेक थीटा। सोच लो भाई। क्लियर है? ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे उम्मीद है आपसे कि आप ये कर ले जाओगे भाई। क्लियर है? कुछ करना नहीं है, बस डिफ्रेंशिएट करना है और वैल्यू उठा के पुट करनी है जैसे मैंने दो बताया है आपको उसी तरीके से, और इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है? तो आओ एक बार दोबारा पुनः प्रॉपर लिख लेते हैं जो इंटीग्रेशन हमने देखा है। हमने देखा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, हमने देखा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और हमने देखा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। बोलो, क्लियर है? फिर हमने जस्ट इसी के रूट का देखा है, ठीक है, इसके रूट का, इसका रूट आता है सर वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट आएगा सर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आएगा सर वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो गौर से देखना यहाँ पे कि सर अभी हमने जस्ट इसका इंटीग्रेशन पढ़ा है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा सर प्लस सी। सर इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन आएगा सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो हमने सर
वन बाई क्वाड्रेटिक को डील करना सीखा है, अब बात करेंगे वन बाई रूट क्वाड्रेटिक का। तो अब जब भी वन बाई रूट क्वाड्रेटिक आएगा तो आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सर ने कुछ तो सिखाया है, सर ने कुछ तो बताया है। मेरे भाई आपको जान के बहुत खुशी होगी, देखना ध्यान से, कि आपने रूट क्वाड्रेटिक डील करना सीख लिया है। कहोगे सर कैसे, हमने तो सिर्फ क्वाड्रेटिक को डील करना सीखा है, रूट क्वाड्रेटिक को कैसे डील करना सीख लिया। अरे भाई, जैसे ही हम वन अपॉन क्वाड्रेटिक को डील कर रहे थे वैसे ही रूट क्वाड्रेटिक को डील करेंगे। और उसमें देखना, उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे वहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे वैसे यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और प्रॉपर इसी तरीके से इंटीग्रेट करके वैल्यू दे देना है। कहोगे सर कैसे, चलो और एग्जाम्पल बताइए सर, और एग्जाम्पल बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गया आपका। अब कहोगे सर चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर अभी हमने बनाया था, याद करो इसका बनाया था, तो आया था एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर। क्लियर है? फिर हमने इसको लिखा था रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। अरे ये तो सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला है सर, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अरे सर इसको तो मैंने अभी देखा है, कितना आएगा, लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू, सर एक्स प्लस हाफ है तो एक्स प्लस हाफ लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री मतलब थ्री बाई फोर। इसी को सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेहनत करके वन अपॉन क्वाड्रेटिक और वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को डील करना सीख लिया है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमारे समझ में आ चुकी हैं। तो अगले टर्म पे हम बात करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की, और कुछ और चीज़ें बतानी है आपको इंटीग्रेशन में, वो आपको अगले टर्म पे बता दिया जाएगा। तो एक चीज़ और आपका बच रहा है, वो यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, वो क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रूट क्वाड्रेटिक को कैसे डील करेंगे, रूट क्वाड, ठीक है, रूट क्वाड को कैसे डील, वन अपॉन क्वाड, वन बाई रूट क्वाड और रूट क्वाड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें भी हमने अब इसी को क्वाड्रेटिक को जस्ट ऊपर लाएंगे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और एक और देखेंगे वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे ही हमें इसको याद रखना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद प्रॉपर स्टार्ट करेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।